चंद्रा सर ठीक कीजिएगा। तो एक टीम ऐसी ब्लैकमेल को मैदान के उत्तरी दिशा पर झेलने के जैसी में और विपक्षी टीम सेवन टाइगर खेलने के जैसी में मैदान के दक्षिणी दिशा में दोनों टीमें मजबूत चर्चा करना चाहेंगे। दोनों ही टीमों का खिलाड़ियों का साथ बात करना चाहेंगे। इसी ब्लैक टेल को टीम के गोलकीपर संजय पास के जर्सी नंबर जीरो पर गुरमीत मुखी जर्सी नंबर 17 पर रायसेन हंसराज जर्सी नंबर 18 पर सुखलाल सुल्तान जर्सी नंबर 12 पर कुंजन चुड़ू जर्सी नंबर 11 पर वासुदेव मार्टी जर्सी नंबर 19 पर फिरदौस जर्सी नंबर 10 पर गौरव मुखी टीम के कप्तान जर्सी नंबर 7 पर तारक हेमराम सुखी वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी हैं और पहली दफा सरकंड पे अपना कदम रखते हुए एक जोशीला खिलाड़ी एक नामचीन नाम वेस्ट बंगाल में तारक सुखी जर्सी नंबर 9 पर खेल रहे हैं और बॉसिंग ग्रुप में जर्सी नंबर 18 रामचंद्र माझी जर्सी नंबर 20 पर और उनका विपक्षी टीम की अगर हम बात करेंगे सोरेन टाइगर एफसी टीम कौन कौन से खिलाड़ी टीम में शामिल है थोड़ा सा उनसे हम परिचय जरूर प्राप्त कराना चाहेंगे उनसे रूबरू हम करना चाहेंगे। और सोरेन टाइगर में अगर हम सबसे पहले अगर हम गोलकीपर की अगर हम बात करें तो अर्जुन टुटू जैसे एक मजेदार गोलकीपर ये जर्सी नंबर 51 और ये हमारे प्लेलिस्ट में आपको दर्ज किया अर्जुन टुटू एक मजेदार गोलकीपर टीम में शामिल है जर्सी नंबर 5 प्रसाद मुर्मू जर्सी नंबर 15 कृष्णा गोप जर्सी नंबर 4 सचिन टुड्डू जर्सी नंबर 6 बृहस्पति मुर्मू जर्सी नंबर 2 आदमी हेमरम जर्सी नंबर 8 जयपाल सिरका जर्सी नंबर 7 शिशिर पूर्ति जर्सी नंबर 11 एज ए टीम कप्तान एंड वैद्यनाथ गोप जर्सी नंबर 3 दिस इज अ कंप्लीटली सोरेन टाइगर एफसी टीम प्लेयर एंड सब्स्टिट्यूशन सुभाष देवगाम जर्सी नंबर 14 तामू पूर्ति जर्सी नंबर 16 एंड सरत हसदा जर्सी नंबर 5 ये है सुरक्षित खिलाड़ी सोरेन टाइगर एफसी टीम में। और यहां पे लेफ्ट फ्लैंक से बाउंडेड किक लेकिन तब तक गेंद के पास पहुंचने के प्रयास तो इन दोनों का अपने साथी के लिए 9 नंबर के खिलाड़ी तारक एक बेहतरीन खिलाड़ी है नामचीन नाम लेकिन गेंद के पास पहुंच नहीं पाए और यहां पर थोड़ा गेंद को अपने कब्जे में कोशिश करने के प्रयास यहां पर ऐसी पास की तरफ से गेंद के लिए टच लाइन चला जिनको थ्रोइंग का मौका ऐसी ब्रेक के लिए और इस बात पर मुकाबला के लिए तैयार रहेंगे आप दोनों टीमें हैं पीर आया टप्पो और उनके सामने रहेंगे 11 ब्रदर्स शर्माणा मंजीर की टीम। और एक मौका गुंजन के लिए लेकिन थोड़ा सा कमजोर भरा की ट्रीप सी बहुत प्रेस में करना था पर गुंजन टुडू और उन्होंने थोड़ा सा उछाल थी क्रिटिकल मोमेंट था एडिकर मौजूद थे उनके सामने भी विपक्षी टीम का थोड़ा सा उस कंटेस्ट भरी मुकाबला में थोड़ा असंतुलन बनता हुआ वहां पर गुंजन टुडू का लगभग बैक बोली लगने के लिए हमें इंतजार करनी पड़ेगी। फिलहाल तारक गेंद के साथ और दो मिनट को छकाने के बाद बिल्कुल नैरो एंगल पर गेंद है लेकिन उनसे पाल से बाहर गेंद चली गई है और गेंद मैदान से बाहर लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मंगल एज ए निर्णायक क्या कमाल का उनकी बॉडी लैंग्वेज है और मंगल ने इस मैच को संचालन करते हमारे निर्णायक महोदय और उनकी बॉडी फिटनेस की बात करें तो है एज ए वन मैन आर्मी जी बिल्कुल बेहतरीन फिटनेस के साथ यहाँ पर मंगल जी खेल को संचालन करते हुए यहाँ पर टीम में शामिल हुए हैं ऐसी ब्लॉक के टीम से और टीम में 4 साल लगने के प्रयास करें अच्छी की लेकिन उछाल जल्दी इस मैदान में लाते हुए जहां तक मैं बात करना चाहूंगा कि कौन कहता है कि जमीन में सितारे नहीं होते कौन कहता है कि जमीन में सितारे नहीं होते सितारे तो होते हैं लेकिन देखने के लिए हमारे नजारे नहीं होते। जी बिल्कुल क्या आपने बात को जिक्र किया अमर प्रभास लड्डू फूट रही है दर्शक साथियों के दिलों की धड़कन में उनके मुंह में और ऐसा लगता है कि मानो ये स्क्रीन पर ये मैच हमें देखने को मौके मिल रही है और एक लाइव मैच का ये पूरी तरह से एंजॉय करता है। इस बार गौरव मौके है थोड़ा सा ब्लॉक करने के बाद आगे निकलने की कोशिश गेंद अपने पाले में गेंद अच्छी कवरिंग के साथ गेंद को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं पर गौरव मौके लेकिन कर भला तो हो भला यदि पूरी तरह से अपने सफल नहीं पाया तो ना राइस है
एनबी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साथी खिलाड़ी यहाँ पर तारक के लिए, तारक कितने भरी भरकम यहाँ पर गेंद, जी हाँ, और भूषण, भूषण के बाद सीधे अपने साथी को अपने वासुदेव मारी, और वासुदेव तारक के लिए, तारक यहाँ पर को बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की, क्योंकि होल्ड इन प्ले, तारक के कल भूषण ने गेंद को साथी को गुंजने के लिए कार्यवाही अर्जुन टूडू की ऐसे जहर से दिल फट कर निकल चुका था, ऐसा गेंद था यहाँ पर, लेकिन सीधे गेंद क्रॉस पर टकरा कर थोड़ा सा बाहर जाते हुए इस समय निश्चित रूप से अग्नि परीक्षा अर्जुन के लिए टीम के गोलकीपर को रोकी का मौका, और यहाँ पर किक लेते हुए टीम की तरफ से भूषण गेंद को रिलीज किया, हंडल के लिए मौका बन सकती है, कोई भी खिलाड़ी तनाव नहीं, और यहाँ पर सुरेन टाइगर टीम के खिलाड़ी गेंद को पास करते हुए तेज रफ्तार से गेंद को रिवील करने के लिए मौका यहाँ पर वैद्यनाथ गोप ब्रेक पास हुई है, पुनः सुरेन टाइगर गेंद प्राप्त करने के बाद अपने आप को इस मैच के दरमियान एक सेटअप देने के लिए कोशिश करते हुए जी बिल्कुल अच्छी रिलीज जयपाल के लिए, जयपाल गेंद प्राप्त किए लेफ्ट मिडर की, लेकिन दिशाहीन, वरना ये गेंद अगर जाती नेट में निश्चित रूप से गोलकीपर को तंग कर सकता था, बिल्कुल सात नंबर लंबे करेंगे उनकी तरह खड़ी हमारे लिए है। फिलहाल बराबरी का मुकाबला एसी ब्लैक चैंप से प्रोग्राम सोरेन टाइगर एफसी के बीच मुकाबला, निश्चित रूप से तो यहाँ पर पुनः गेंद को प्राप्त करते हुए सेंटर डिफेंडर के लिए दूसरा कथा हुआ सोरेन टाइगर, सोरेन टाइगर ऑफ डेट की, और यहाँ पर चेस्ट डाउन करते हुए टीम की तरफ से नए खिलाड़ी वासित हस्ता धीरे धीरे गेंद को रिवील करता हुआ अटैकिंग मोड में, और कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं, लेकिन गेंद के पास आने के लिए प्रयास यहाँ पर, तब तक गेंद जा चुकी थी गोल रेखा से बाहर, और गोलकीपर का मौका कोशिश करेंगे इस चीज में, पहला हाफ का खेल अभी तक समीकरण 0-0, और अंतिम विसल जब तक बजेगी तब तक इस मैच का समीकरण क्या होगा, कौन बनेगा विजेता और कौन होगा ढेर, बिल्कुल यहाँ दोनों शेरों के बीच ये टक्कर, जबकि कांटों भरी टक्कर ये मुकाबला, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अब देख रहा होगा कांटों भरी राह से कौन टीम में बिल्कुल आगे निकल पर जीत की प्रशंसा को लहराने में सफल होगी, ये तो बाकी बातों का और जिक्र करेंगे, फिलहाल प्रथम हाफ का मुकाबला शून्य-शून्य की स्थिति में। मध्यांतर के बाद दोनों ही टीमों में छोर में बदलाव हुई है, सोरेन टाइगर की टीम मैदान के उत्तरी दिशा पर ग्रे कलर के जर्सी में, और विपक्षी एसी ब्लैक टेल्को की टीम येलो कलर के जर्सी में मैदान के दक्षिण दिशा में, और मध्यांतर के बाद का खेल शून्य शून्य के बराबरी पर दोनों टीमें खेलते हुए यहाँ पर एक की को रिलीज करते हुए गौरव गेंद को कोशिश करने के लिए प्रयास, और छीने गए हैं, मान जरूर कर रहे थे लेकिन मैच रेफरी बंगल नकारते हुए सेंटर डिफेंडर गेंद प्राप्त करता हुआ सोरेन टाइगर की तरफ से एक लॉफ्टेड किक, और गोलकीपर संजय गेंद को ग्रिप करता हुआ जहां पर एक रणनीति नए उम्मीद नए ऊर्जा के साथ दोनों टीमें मध्यांतर के बाद बृहस्पति बृहस्पति यहां पर गेंद को रिलीज करता हुआ अपने साथी के लिए, और यहां पर गेंद के ऊपर कोशिश करने का मौका जैसी नंबर 19 टीम की तरफ से गेंद को प्राप्त करते हुए वासुदेव मार्टी, जो कि पहला चक्र में एक गोल बिता चुके हैं, और लॉफ्टेड किक जी बिल्कुल यहां पर मोमेंटम बन सकती है, कोशिश किया लेकिन अभी भी समय है,
और गेंद प्राप्त करने के बाद क्रॉस करने का प्रयास ब्लॉक हुई है, बेहतरीन इंटरसेप्शन। और 11 नंबर की जर्सी में टीम की तरफ से ये खिलाड़ी तैनात हुई है कुंजन, कुंजन ने क्रॉस किया, मौका जरूर अच्छा। और पुनः यहाँ पर मौका, एक अच्छी पास, यहाँ पर रिलीज जरूर किया था लेकिन रोका गया है और सब अभी हमने के लिए तैयारी करते हुए गेंद को रिलीज किया गया है। गेंद गई है टच लाइन से बाहर, थ्रोइन का मौका कोशिश करेंगे सुरेंद्र टाइगर टीम के खिलाड़ी। जी बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ी सी वो भी सिंहगुड़ा के मैदान में गेंद को रिलीज करता हुआ अर्जुन टीम के गोलकीपर। और यहाँ पर पुनः तारक गेंद को प्रदान करने के लिए कोशिश, लेकिन कंट्रोल में नहीं, नियंत्रण में नहीं। और अर्जुन यहाँ पे समय बिताने के लिए तकनीक को अपनाते हुए राइट डिफेंडर गेंद अपने कब्जे में लेते हुए इसके पश्चात खेलने के लिए तैयार रहेंगे। आप दोनों टीमें हैं, फिर आया टोक्टो मुकाबला में 11 ब्रदर्स सरपड़ा मंजीर। और पिछले मुकाबला जो टाई ब्रेकर पर मैच जा चुका था, मैं थोड़ा सा फोर थ्री की और थोड़ा सा मैं इशारा करना चाहूंगा माइक्रोफोन में, जो पिछले मुकाबला जो आज सेकंड राउंड पिछले सर्विस विजय प्राप्त की है और हम टीम का रिपोर्टिंग करें, साथ ही साथ आपका टीम का लिस्ट लेकर जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट लेकर जाएंगे। और पहला जो मुकाबला आज महिला वर्ग से प्रभा जी, थोड़ा सा पहला मुकाबला महिला वर्ग से थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। और ये है गुंजल स्पोर्टिंग क्लब बोरा वर्सेस एआरसी मौसमी। जी हाँ, दोनों टीम से अनुरोध करेंगे कि आप 10 मिनट के अंदर आप तैयारी करके आप टेक्निकल या मेडिकल जोन में अपने टीम को स्थापित करेंगे महिला वर्ग के जुड़े मौसमी और बोरा टीम के। और फोर्थ रेफरी जो सेमी मंच से है वहां से डायरेक्ट हम इशारा करना चाहेंगे माइक्रोफोन में, सर कौन टीम जीता और विजेता टीम का जो मेन मैच है वो खिलाड़ी का नाम थोड़ा सा आप बता देंगे। हेलो, पिछले थोड़ा सा बोलेंगे, आपका आवाज कंप्लीटली नहीं सुनाई दिया है। हेलो, टीएफ है सोरविला के, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी का नाम बता देंगे और जर्सी नंबर। हेलो हेलो हेलो, सलखान टोडो जर्सी नंबर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मैदान के बीचों बीच सेकेंड हाफ का ये मुकाबला और दामू फुर्ती ने बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ खेल को जरूर निकालने में कामयाब हुआ था। संजय बास के जिससे गोलकीपर आगे निकल चुके थे उसका पूरा पूरी दामू फुर्ती लाभ ले सकते थे, लेकिन गेंद काफी दिशाहीन रहे, टारगेट से बाहर रहा दामू फुर्ती का गेंद। नतीजा एक विकास का प्रयास यहां पर सोरेन टाइगर्स और थोड़ी सी संतुलन खोते हुए पर सचिन टुडू गलत तरीके से उनको रोकने की कमी, यहाँ पर थोड़ा सा संतुलन को खोते हुए यहाँ पर और एक सेट पीस का मौका मिलेगी यहाँ। और सलखन टुडू को हम बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहेंगे। और इस समय पुनः हमारे बीच काफी वेस्ट कितने समय को निकाल कर हमारे बीच आपके सौजन्य से हमारे
पिछले मुकाबले के विजय टीम से जुड़े भी सर सलखन टुडू को आप उनको प्रेजेंटेशन देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सलखन जी को और आकाश सौरभ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इस घर में पिछले मुकाबले के विजय टीम से जुड़ी सलखन टुडू को हम लोग मेन ऑफ द मैच से उसको हम लोग सम्मानित करते हुए वन सेकेंड थैंक्स ऑफ लॉन्च एंड कॉन्ग्रेचुलेशन द चीफ डियर सलखन टुडू और मैदान के बीचों बीच प्रभास काफी क्रिटिकल मोमेंट को सभी दर्शक साथी फेस कर रहा है। सभी चाहते सभी प्लेयर्स टीम का वो चाहता है कि भाई हमारी टीम अगर यहाँ एक गोल दाग दे तो आसानी से जीत उनको हासिल होगा। चाहे सोरेंट अगर ऐसी टीम के फ्लावर्स हो उनके जो लवर्स हो या ऐसी ब्लैक सबसे तो टीम कि उनके जो चाहते दर्शक हो क्योंकि अपने अपने मन में सोच रहे कि अपने साथी यार के पास से आपसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारी टीम अगर इस समय एक गोल दाकर आगे बढ़ेंगे तो शायद हम जीतेंगे जरूर। तो ये साझा एक दूसरे पर हो रही है लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अग्नि परीक्षा को पेश किया है दोनों टीम ने। एक बड़ी टीम है एक बड़ा मुकाबला है इस मुकाबले में जीतेगी तो लगभग लगभग प्राइस की दहलीज के करीब होगा क्योंकि और एक महत्वपूर्ण मुकाबला के बाद उनको प्राइस तक के वो उनको लेकर जाएंगे टीम क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये मुकाबला लेकिन इसी के